टिंग डोंग, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। चंडीगढ़ से चलकर जयपुर पहुंचने वाली ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है और ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है। यस, वेलकम टू द पिंक सिटी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉयेजर चैनल। सो स्टे ट्यून्ड, अगले 3.5 मिनट में जयपुर की day 1 ट्रिप की झलक। द फर्स्ट थिंग वी डिड इन द मॉर्निंग वॉज चेकड इन टू द होटल, डिड आर ब्रेकफास्ट, गॉट फ्रेशन अप और सबसे अच्छी बात थी हमें मिल गई रेंट पे स्कूटी। बस फिर क्या था, हेलमेट लगाए, चाबी घुमाई और निकल पड़े क्लीन सी चौड़ी चौड़ी सड़कों पर सुबह के नज़ारे को इंजॉय करते हुए आमेर फोर्ट की तरफ, जो कि सबसे फार्देस्ट पॉइंट है सिटी से इन लोकल साइट सीइंग। जयपुर सिटी से करीब 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड ये आमेर फोर्ट की बहुत ही रिच हिस्ट्री है। रास्ते वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही शानदार हैं, पूरे जंगल और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। पूरा का पूरा आमेर टाउन लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और इस पूरे टाउन का निर्माण कराया था राजा मान सिंह ने और कुछ एडिशंस बाद में किए थे सवाई जय सिंह ने। What do you see behind me is Amber Fort और आमेर फोर्ट भी कहते हैं। अंदर लेकर के चलता हूँ। आमेर फोर्ट पर ऊपर जाने के लिए आप पैदल, जीप, एलिफेंट राइड या स्टेयरकेसेस का यूज कर सकते हैं। और टिकट प्राइस एडल्ट 100 रुपये, स्टूडेंट 10 रुपीज़। वेल, मुगल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड ये फोर्ट डिफरेंट लेवल्स पे बना हुआ है और डिफरेंट लेवल में कोर्टयार्ड और कई सारे रूम्स भी हैं और नज़ारे तो आपके सामने हैं ही। और इस फोर्ट में भी आप लगभग 2-3 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं और ये फोर्ट पूरा देखने के बाद में, लंच करने के बाद में हम निकल पड़े नेक्स्ट लोकेशन जयवना कैनन। और 1720 में निर्मित ये तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी जब ये मैन्युफैक्चर हुई थी इन दैट एरा। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये तोप कभी वॉर में यूज ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ द फ्रेंडली रिलेशंस विद द मुगल्स। और इसी कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है जयगढ़ फोर्ट और इस फोर्ट का निर्माण कराया था राजा जय सिंह द्वितीय ने 1726 में टू प्रोटेक्ट द आमेर फोर्ट। सबसे अच्छी बात है इस फोर्ट को देखने के लिए आप इसके मेन गेट तक गाड़ियों को लेकर के आ सकते हैं। ऐसे तो जयगढ़ फोर्ट में सिर्फ कुछ म्यूजियम्स और कुछ लोकेशंस ही देखने लायक हैं। और वहाँ से घूमने के बाद शाम को एंजॉय करने के लिए हम आ पहुँचे मनसागर लेक के किनारे पर, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत राजपूती स्टाइल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है विच इज़ नोन एज जल महल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर।